दादी माँ की बहुत ही आसान 27 बेस्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, जरूर सुने। नंबर 1, यदि घी को फ्रेश रखना हो तो इसमें 1 इलायची मिलाकर रखें। घी की खुशबू हमेशा बनी रहेगी और जल्दी खराब भी नहीं होगी। नंबर 2, पुदीना, तुलसी, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा पीने से वायु रोग दूर होता है। नंबर 3, रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जोड़ों में दर्द, ठंड, जुकाम, खांसी हो सकती है। नंबर 4, रोजाना 1 चुटकी कलौंजी खाने से इंसान हर बीमारी से बचा रहता है। नंबर 5, टमाटर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 6, गर्म दूध को घूट घूट कर पीने से हिचकी आना बंद हो जाता है। नंबर 7, नींबू के रस को निचोड़कर स्प्रे बोतल में भरकर घर की छत और दीवारों पर छिड़कने से मकड़ी दोबारा जाल नहीं बना पाएंगी। नंबर 8, कद्दू के बीज प्रजनन क्षमता बढ़ाते हैं। नंबर 9, खीरे का रस निकालकर प्रतिदिन चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। नंबर 10, जब हम छींकते हैं उस समय दिल को छोड़कर पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। नंबर 11, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घी डालें। अगर घी पानी के ऊपर तैरने लगे तो घी असली है और घी नीचे बैठ जाता है, यानी कि घी नकली है। नंबर 12, बेल के पत्तों और सौंफ को पानी में उबाल कर पीने से अस्थमा और सांस की प्रॉब्लम में फायदा होता है। नंबर 13, घर में यह 5 पेंटिंग लगाना माना जाता है शुभ। नंबर 1 है, झरने की पेंटिंग लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी वास करती है, इससे तरक्की और धन लाभ के द्वार खुलते हैं। इस तस्वीर को पूर्व उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बहुत लाभदायक माना जाता है। नंबर 2 है, वास्तु शास्त्र की माने तो घर में मोर की पेंटिंग लगाने से पॉजिटिविटी बनी रहती है और आपसी संबंध में मधुरता आती है। इस तस्वीर को उत्तर दिशा में लगाया जाना चाहिए। नंबर 3 है, कमल का फूल का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। घर के मेन गेट पर कमल के फूल की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और धन की समस्या भी नहीं होती है। नंबर 4, घर में हंस की तस्वीर लगाने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के बेडरूम में इस तस्वीर को लगाना लाभदायक माना जाता है। नंबर 5, घर में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है, इससे घर के सदस्यों की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दे कि ये तस्वीर उत्तर दिशा में लगाना फलदायक माना जाता है। अब चलते हैं नंबर 14 पर, रात को सोते वक्त आंखों में सुरमा लगा लो, आंखें हमेशा ठीक रहेंगी और आंखों की कमजोरी नहीं होगी। नंबर 15, जो लोग खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छी तरह मुंह से साफ करते हैं उनके खाने का रिज्क बढ़ता है। नंबर 16, शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करें, शीशा एकदम चमक जाएगा। नंबर 17, एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। नंबर 18, चमेली के फूल की खुशबू सूंघ लिया करो, आपकी याददाश्त अच्छी बनी रहेगी। नंबर 19,
रोजाना सुबह एक केला खा लेने से जहनी और जिस्मानी सेहत ठीक रहती है। नंबर 20, पुराने कपड़े को किसी को देने चाहिए या नहीं। हम लोग पुराने कपड़ों को किसी को दे देते हैं, तो उन कपड़ों को किसी को देने हैं या नहीं देने हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है, पुराने कपड़े किसी को देने से पहले विज्ञान को समझ लें। नंबर 2 है, ताकि इसका कोई टोने टोटके में दुरुपयोग ना हो, नींबू नमक मिलाकर धो लें और अच्छे से कपड़ों को सुखा लें। नंबर 3 है, एक थैले में बांध कर 15 दिन उसे रखें, उसके बाद ही उसे दें। नंबर 4 पर है, 15 दिन उसे नहीं पहनेंगे तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। अब चलते हैं नंबर 21 पर, ओठ गुलाबी करने के लिए मक्खन लगाया करो। नंबर 22, सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, गुर्दे एकदम साफ रहेंगे। नंबर 23, गर्म जल को पीने से पेट में होने वाले मरोड़ और पेट का दर्द नष्ट हो जाता है। नंबर 24, चेहरे पर झुर्रियां हो तो नींबू का छिलका मसल दो, आपकी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। नंबर 25, लहसुन खाने से शरीर के गंध में सुधार होता है। नंबर 26, जिन लोगों को बवासीर की समस्या है उन्हें बैंगन नहीं खाना चाहिए। नंबर 27, जिन लोगों को शुगर की दिक्कत हो वो सुबह के समय 7 दाने कलौंजी के खा लिया करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।